अस्सलाम वालेकुम, मुगल जायका में खुश आमदीद। तो आज हम बनाएंगे नॉर्थ इंडिया की मशहूर डिश शामी कबाब। ये बहुत आसानी से घर में बन जाते हैं। पहले ये रेस्टोरेंट में नहीं मिलते थे, लेकिन अब मिलने लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी शामी कबाब। ये हमने 250 ग्राम कीमा लिया है। ये 100 ग्राम के आसपास चने की दाल है, जिसे हमने धो के भिगो दिया था। ये एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक टेबल स्पून लाल मिर्च है, एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, एक टीस्पून नमक है, एक बड़ी प्याज है जिसे हमने बारीक कटा है, 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, और एक मुट्ठी पुदीना है जिसे हमने बारीक काट लिया है, 2 अंडे। अब हम इसमें चने की दाल डालेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक, और उसके साथ ही हम डालेंगे इसमें 1 कप पानी, और इसे हम उबालने के लिए रख देंगे ताकि हमारा कीमा अच्छी तरह गल जाए, 3 से 4 सीटी आने तक। चलिए अब हम देखते हैं, हमारा कुकर खोलते हमारा दाल और कीमा अच्छी तरह से गल गया है और अब इसमें पानी भी नहीं है। आप चाहें तो इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं और चाहें तो इसे सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं, लेकिन अब इसमें आपको पीसते वक्त पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। अब हम इसे सिलबट्टे पर इस तरह से बारीक पीस रहे हैं। देखिए कितना बारीक पीस लिया है। हमारा कीमा पीस गया है। अब हम इसमें प्याज मिलाएंगे, साथ ही इसमें पुदीना मिलाएंगे, हरी मिर्च, और इसे अच्छी तरह से सब मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन पुदीना ज़रूर डालें, इसका पुदीने से टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अगर अभी तक आपने इजी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। देखिए हमारा ये कीमा अच्छी तरह से हम मिलाते जा रहे हैं, बस इसी तरह आपको पूरा कीमा मिला लेना है। अब हमारा कीमा अच्छी तरह से मिल गया है। अब हम इसके बनाएंगे कबाब। ये एक मुगलाई डिश है जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार होती है और बहुत ही आसानी से बन भी जाती है। देखिए इस तरह से अब हमने कबाब बनाना शुरू कर दिए हैं। इसी तरह से आप सारे कबाब बना लें। ये बहुत आसानी से हाथ पे बन जाते हैं, ऑयल भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही पानी लगाने की ज़रूरत होती है, बड़ी आसानी से ये बन जाते हैं। देखिए इसी तरह से हमें सारे कबाब बना लेने हैं। अब हमारे कबाब बन चुके हैं, हमने तेल गरम पे रख दिया है। अब हम 2 अंडे फेंट लेंगे अच्छी तरह से। इसमें हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया है अंडे में। अब इसमें हम डीप करके हमारे कबाब फ्राई करेंगे। देखिए इस तरह से आप अंडे में कबाब डीप करते जाएं और इसी तरह सारे कबाब फ्राई कर लें। इन्हें हम उलट पुलट करके अच्छी तरह से गोल्डन होने तक सेक लेंगे। देखिए इन्हें बहुत जल्दी हिलाने की कोशिश ना करें, नहीं तो हमारे कबाब टूट सकते हैं। जब एक तरफ से अच्छी तरह से ये गोल्डन हो जाए तब इन्हें धीरे से पलट दें। देखिए इस तरह से बड़ी आसानी से ये पलटी हो जाते हैं। देखिए इसी तरह से सबको उलट पुलट कर लें। ये कबाब खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आप इन्हें बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं 1 से 2 दिन के लिए, और जब आपको फ्राई करना हो तो फ्राई करके खा लें। देखिए इसी तरह से हम हमारे सारे कबाब तल लेंगे। जब मेहमान आने वाले हों तो आप इसकी तैयारी 2 दिन पहले कर लें। ये देखिए हमारे मज़ेदार कबाब तैयार हैं, साथ में चटनी भी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और
इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे।